लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बॉलीवुड के महान सितारे की हुई मौत, पूरा फिल्मी जगत में शौकी लहर। 79 साल की एक लंबी पारी के बाद आज पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे शशि कपूर का मुंबई में दुखद निधन हो गया। जी हां, लगातार 116 हिट फिल्मों के हीरो की मृत्यु ने पूरे बॉलीवुड को झकझोर के रख दिया। फिल्म जगत में उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही गम के बादल छा गए। 18 मार्च 1938 को जन्मे शशि कपूर पृथ्वीराज के 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनकी मां का नाम रामश्रणी कपूर था। उनके निधन से बॉलीवुड में शौकी लहर फैल गई है। शशि कपूर को बचपन में बलबीर राज कपूर के नाम से पुकारा जाता था। वो बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन थे। शशि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में यश चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र से की थी। 61 फिल्मों में सोलो लीड हीरो, 55 मल्टी स्टारर हीरो, 21 फिल्मों में सहायक अभिनेता और 7 फिल्मों में गेस्ट भूमिका दी। शशि कपूर ने बचपन से ही कई धार्मिक फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। साल 1965 शशि फिल्मी करियर का अहम साबित हुआ। इस साल वो जब जब फूल खिले ने नजर आए थे। इस फिल्म के बेहतरीन गीत, संगीत और अभिनय ने दर्शकों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। इसके बाद साल 1965 में शशि की एक और सुपरहिट फिल्म वक्त रिलीज हुई। इस फिल्म में वो बलराज साहनी, राजकुमार और सुनील दत्त जैसे नामी सितारे के साथ नजर आए। फिल्मों में उनकी छवि रोमांटिक हीरो की बन गई थी। उनके करियर के लिए 1965 से 1976 का वक्त सुनहरा था। मशहूर फिल्म शशि कपूर की फिल्मों में सबसे ज्यादा कुछ खास फिल्मों ने असर दिखाया है। आपको वो जमाना याद आ ही गया होगा जब शशि कपूर एक चॉकलेटी बॉय बनकर हीरोइनों का दिल जीत लिया करते थे। 60 और 70 के दशक में उन्होंने जब जब फूल खिले, कन्या दान, शर्मीली, आगले लग जा, रोटी कपड़ा और मकान, चोर मचाए शोर, दीवार कभी कभी और फकीरा जैसी कई हिट फिल्में दी।